बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑन टी टाइम विद सैयदा कौसर फ्रॉम धनक लंदन। नाजरीन, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं और अपनी राय से हमें मुतला करते हैं। नाजरीन, आज के हमारे प्रोग्राम में जो हमने मेहमान शख्सियत को मधु किया है आप सब से मिलवाने के लिए हम लेके आए हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं बहुत बचपन से उनको पढ़ती आई हूँ और उनको एडमायर करती आई हूँ। मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने हमें वक्त दिया, वो यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ स्टूडियो में उनको इन्वाइट करने से पहले। मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सादत सईद जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में शोबाए उर्दू से बतौर सीनियर प्रोफेसर वाबस्ता हैं। 42 बरस से ग्रेजुएट एमए एमफिल और पीएचडी के तलबा और तालिबात की रहनुमाई में मसरूफ हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के सदर शोबा उर्दू और पंजाबी रहे हैं। आपने अंकरा यूनिवर्सिटी तुर्की में 5 साल तक उर्दू अदब और ज़ुबान और मुतालिए पाकिस्तान की तदरीस की है। 20 से ज़ायद बैन अल-अक़वामी उर्दू कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स में शिरकत कर चुकी हैं। उन्हें 50 से ज़ायद कौमी अदबी और सकाफती जलसों में मुख्तलिफ मौजूआत पर तहकीकी और तनकीदी मकालात पेश करने का एजाज़ भी हासिल है। मोहतरम जनाब प्रोफेसर सादत सईद साहब लाहौर शहर की अदबी और सकाफती सरगर्मियों में बहुत फ़ाल हैं। अंजमन तरक्की पसंद मुसन्नफीन ने उन्हें नायब सदर मुंतखब किया है। उन्होंने कई बरस तक हलकाए अरबाब ज़ौक के सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां भी निभाई हैं। कई अदबी और सकाफती रसाइल जैसे कि साहिवाल, विजन, मुस्तकबिल, बाजगश्त मुरतब किए। वो 2 बरस द न्यूज़ इंटरनेशनल का आर्ट एंड लिटरेचर पेज के एडिटर भी रहे हैं। जंग लाहौर के अदबी सफ़े के लिए बैन अल-अक़वामी शहरत के हामिल अदीबों के इंटरव्यूज़ करने का शरफ भी उन्हें हासिल रहा है। नॉर्वे, डेनमार्क, इंग्लिस्तान की कई तंजीमों ने उन्हें अदबी एवॉर्ड्स से भी नवाजा है। पाकिस्तान की तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की तंजीमों की जानिब से उन्हें अमन फैज अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सादत सईद साहब को पोस्ट मॉडर्न नज़रियात के फरोग से बेहद दिलचस्पी है। उर्दू और फारसी के क्लासिकी अदब पर उनकी गहरी नज़र है। बैन अल-अक़वामी अदब के तराजम भी उनकी शोहरत का बायस हैं। उनकी 26 उर्दू और अंग्रेजी तसनीफ़ात और तालीफ़ात हैं। उनमें से कजलीबंद, फ़नून आशुब, बांसरी चुप है, जहत नुमाई, फ़न और खालिक, इकबाल, एक सकाफ़ती तनाजर और अदब और नफ़ी अदब उनकी शोहरत का बायस हैं। वो उर्दू अदब की मुनफरद तहरीक लिसानी तश्कीलात के नज़रिया साज नकादों में से हैं। उन्हें कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह पर एक साहिब तरस और साहिब असलूब शायर और नकाद की हैसियत से पजीराई मिली है। उनके 300 से ज़्यादा उर्दू और अंग्रेज़ी मकालात कौमी और बैन अल-अक़वामी रसाइल में शाया हो चुके हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी दावत पर मोहतरम जनाब सादत सईद साहब ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं बसात खलूस व एहतराम और अकीदत के साथ उन्हें धनक लंदन स्टूडियो में खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जी, थैंक यू। कैसे हैं? खुशामदीद।
वेलकम जी, वेलकम शुक्रिया जी। इससे पहले कि हम रस्मी सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करें, सबसे पहले आप हमें बताइए कि आजकल पाकिस्तान का मौसम कैसा है, क्योंकि बिल्कुल हम किनारे पर हैं, एक तरफ सर्दी जो है वो छोड़ रही है, दूसरी तरफ से जो गर्मियां हैं उनकी शुरुआत हो रही है। बस मौसम मौत दिली है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। तो जैसा मई से पहले अप्रैल का महीना जो है खुशगवार महीना ही होता है, जैसे उसने भी कहा कि टीएस एलियट ने, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। तो ये जो क्रूएलेस्ट मंथ का मतलब ही होता है कि बड़ा खुशगवार सा जो तासुर है इसमें आता है, बड़ा काफिर महीना है, जैसे ये प्यार से किसी को काफिर कहा जाए। तो अच्छा मौसम है, लेकिन बाहर निकलने का बहुत कम मौका मिलता है, क्योंकि उम्र के उस हिस्से में हूँ कि ये जो COVID-19 है, सुना है कि ये बहुत जल्द असर करता है बूढ़े और लोगों पर, इसलिए बहुत कम मैं घर से बाहर निकलता हूँ। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, एहतियात सबसे बेहतर है, लेकिन देखने से और माशाल्लाह वैसे आप इतने हैं नहीं बुजुर्ग या इतने बड़े हैं नहीं, ये आपकी कसरे नफसी है जो आपने इस तरह कहा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि माशाल्लाह जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, आप हर दिल अजीज शायर हैं, महबूब खलाइक शायर हैं, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इतनी ज्यादा शोहरत भी दी है, तो ये सारा कुछ, ये अमल जो है, ये आप इस सब अमल ने आपको अपनी नजर में क्या बनाया है? बस ऐसा है कि मैंने जब शऊर की आंख खोली तो घर में हर तरफ किताबें ही थी। मेरे वालिद उर्दू के पहले PhD पंजाब में थे और बहुत काफी बड़ी लाइब्रेरी थी उनकी, और उन दिनों में वो अपना थीसिस भी मुकम्मल कर रहे थे या MA कर रहे थे, तो MA में जो काम वो कर रहे थे, बाहर वो तो मेरे नजर में नहीं है, लेकिन बाद में जो किताबें मैंने देखी और जो उनका काम देखा, तो उससे अंदाजा हुआ कि जब मेरी पैदाइश हुई तो उस वक्त भी वो मुनामिक थे अपने तालीमी कामों में और अदबी कामों में। दोबारा उसके बाद बहुत सी चीजें मेरी नजर से गुजरी और वहीं से मुझे भी शौक पैदा हुआ कि मैं किताबें पढ़ने का शौक पहले पैदा हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता लिखने का शौक हो गया। तो बड़ा अच्छा माहौल था घर का, और उसमें मेरे वालिद क्लासिक की मिजाज के आदमी थे, और उन्होंने वो जो रवायत है उर्दू शायरी की जो आगाज से लेकर और अपने दौर तक, उस पूरी रवायत को कंगाला था और उस पर उसके हवाले से बेशुमार मजामीन भी लिखे थे। लेकिन मैं जब मैट्रिक में आया तो मैट्रिक में आने के बाद वहाँ आना लाइब्रेरियां होती थी जी। मेरा शहर जो है मॉन्टगोमरी था, और वैसे मेरी पैदाइश तो लाहौर में हुई थी, लेकिन मेरे वालिद सर्विस के सिलसिले में मॉन्टगोमरी चले गए थे और वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज मॉन्टगोमरी में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए थे। तो मैट्रिक जो मेरा जो है BA तक का सारा जो सिलसिला है वो मॉन्टगोमरी तालीम का सिलसिला मॉन्टगोमरी में हुआ। तो मैट्रिक में वो आना लाइब्रेरियों में जाने का जब इत्तफाक हुआ तो वहाँ मैं मुख्तलिफ शायरों की किताबें पढ़ता था, और जैसे मसलन शायर लुधियानवी की किताबें थी, मखदूम मईउद्दीन की किताबें थी, और इसी तरह से रोमिम राशिद की किताबें थी और मुस्तफा जैद जी की किताबें थी। तो ये पढ़ने का इत्तफाक हुआ, तो वहां से मुझे भी खुद ख्याल पैदा हुआ कि मैं भी कुछ शायरी की तरफ तवज्जो दूं और अपने दिली जज्बात का इजहार शेर में करूं। तो इब्तदा में मैंने गजलें लिखी और उसके साथ कुछ नज्मे भी, वो नज्मे जो है वो बाद में जब 11वीं 12वीं में मैं था और मदीर बना गवर्नमेंट कॉलेज मॉन्टगोमरी के रिसाले साहिवाल का, तो उसमें उनमें से एक दो नज़में जो है शाया भी हुई, आजाद नज़में। तो मेरे वालिद आमतौर पर उस रिसाले के इंचार्ज चुके थे, तो वो क्लासिकी अदब को छापा करते थे,
लेकिन जब मैं वहां पर नायब मुदीर हुआ और फिर बाद में मुदीर हुआ, तो मैंने उस रिसाले में जदीद अदब को भी छापना शुरू किया, और खासतौर पे जो आजाद नज़में एक तरह से ममनू थी उनका शाया होना, तो वो मैंने सबसे पहले शाया की गवर्नमेंट कॉलेज मॉन्टगोमरी के रिसाले साहिवाल में। तो ये एक तरह से घर की तरबियत का भी असर है, घर के माहौल का भी असर है, और उसके अलावा खुद मेरे अंदर जो एक अल्लाह ताला ने कुछ सलाहियत दी है शेर व अदब के हवाले से, तो उसका भी असर है कि मैं इस मैदान में आया। माशाल्लाह। अभी आपने जिक्र किया हमारे साथ मुस्तफा जैदी साहब और नून मीम राशिद साहब का, क्या आपने उनसे पढ़ा, तो आपने उनसे किस जहत में ज्यादा आपने उनसे कुछ सीखा? मैंने उनकी किताबें पढ़ी और मुस्तफा जैदी साहब की और राशिद साहब की भी। राशिद साहब की मावरा जो है मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, फिर उन्हीं दिनों उनकी किताब जो है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो ईरान में अजनबी आ गई, ये दूसरी किताब उनकी आई, तो उससे मैं मुतासिर हुआ और आजाद नज़में जो है मैंने जो लिखनी शुरू की तो वो राशिद साहब से मुतासिर होकर लिखी। इसी तरह से मीरा जी के गीत और मीरा जी की नज़में ये भी उसी जमाने में मैंने पढ़ी, उनकी किताबें मशरिक़ व मगरिब के नगमे, ये भी उसी दौर में पढ़ने का मौका मिला। इसी तरह से जैदी साहब जो हैं उनके यहाँ मुझे वो मजमूआ उनका जो उन्होंने जर्मनी के हवाले से लिखा, उनकी जो बेगम थी वो जर्मन थी और वो वहाँ कुछ अरसा रहे भी जर्मनी में उस जैदी साहब, और उन्होंने जर्मनी के हुस्न जो फितरी हुस्न है उस पर और दरियाओं के हवाले से और जर्मनी के जो मंजर है उनके हवाले से बड़ी अच्छी शायरी की। तो वो आमतौर पर उनकी जो नज़में थी वो पाबंद नज़में थी, तो मौला नज़में भी थी, तो उसे भी मुझे तसाब फैज का मौका मिला। उसके अलावा ये तो दोनों का आपने पूछा, मैं उसके अलावा जो है वो मजीद अमजद साहब से मेरा बराह रास्त ताल्लुक था। जब मैं मैट्रिक के बाद तकरीबन उनकी महफिलों में बैठने का इत्तेफाक हुआ, कैफे डी रोज में वो आया करते थे और स्टेडियम होटल में, तो उन्होंने उनकी मेहरबानी थी कि हमें साथ बिठा लेते थे और उसके अलावा हमारी शायरी भी सुनते थे और उसमें इचला भी करते थे और कभी कभार अपने नज़में भी सुनाते थे। उनका मजमुआ शबे रफ्ता उस जमाने में छप चुका था, जो मैं समझता हूँ मैंने अपने रखा हुआ था बिस्तर के करीब अपनी मेज पर, और अक्सर मैं उसमें से नज़में पढ़ा करता था। तो ये सारे लोग हैं जिनके असर की वजह से मैंने मेरी शायरी में वो रवैया पैदा हुआ जिसे हम जदीद रवैया कह सकते हैं, और जो क्लासिकी हवाला है मेरा वो मेरे वालिद की तरफ से बड़ा मजबूत था, और मैंने जो पीएचडी का थीसिस लिखा अपना वो उर्दू शायरी उर्दू कसीदे का तहजीबी और फनी मुताला इस पर लिखा। इसका नतीजा ये हुआ कि मैं पूरी जो क्लासिकी शायरी की रवायत है उसे पढ़ने के लिए मैंने मुख्तलिफ किताबें देखी और उस रवायत से ताल्लुक जोड़ा, और बाकी जो है कि जदीद अदब वो मैंने आपको बता दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जो और लोग थे उन्हें भी पढ़ने का इत्तफाक हुआ, जैसे मसलन मुख्तार सिद्दीकी थे, जैसे यूसुफ जफर थे, और इसी तरह से सफदर मीर थे। फिर जब मैं कॉलेज के आखिरी साल में बीए में था तो मुझे इफ्तखार जालिब की जो लिसानी तश्कीलात की तहरीक थी उसके बारे में आगाही हुई, और अनीस नागी की किताबें जो हैं वो पढ़ने का इत्तफाक हुआ, मसलन उनकी किताब जो है तनकीद शेर, ये वहाँ हमारे एक दोस्त रातब अख्तर हुआ करते थे वो लेकर आए थे, तो वो मुझे पढ़ने का इत्तफाक हुआ। तो इस तरह से मैं नई लिसानी तश्कीलात के जो शायर हैं उनके साथ मेरी वाबस्तगी हुई, और अभी तक मैं इनमें से किसी से मिला नहीं था जब मैं मॉन्टगोमरी में था बीए में जब मैं पढ़ता था, लेकिन जब मैं लाहौर आया तो लाहौर में ओरिएंटल कॉलेज में मेरा दाखला हुआ,
और ओरिएंटल कॉलेज में मैंने एमए उर्दू में जो दाखला लिया, वहां से जाद बाकर रिजवी साहब जो हमारे उस्ताद थे वो मुझे हल्कार बाबे जौक लेकर गए, और वहां पर मैंने माहौल देखा और वहीं पे मेरी मुलाकात जो है वो इफ्तखार जालिब से हुई, अनीस नागी से हुई, और जाहिदार से हुई, इंतजार हुसैन से हुई, शोहरत बुखारी से हुई, अंजुम रुमानी से हुई, और सफदर मीर से हुई, इजाज बटालवी से हुई, और शहजाद अहमद से हुई। यानी आप और वहां पे जितने लोग भी बाहर से आते थे उनसे भी मुलाकातों का मौका रहता था हल्कार बाबे जौक में। इब्ने इंशा से मसलन उसी जमाने में मुलाकात हुई, और जमीलुद्दीन अली से भी उसी जमाने में मुलाकात हुई, और वजीर आला से, और इस तरह से अदबी दुनिया में मैं लोगों से मिलने लगा। और उनका जाहिर है कि जब मैं अदब पढ़ता था तो कुछ ना कुछ असर उनका मुझ पर जरूर होता था। तो ये मैं समझता हूँ कि आप जो भी पढ़ते हैं वो किसी ना किसी सूरत में आप पर असरअंदाज जरूर होते हैं, असरअंदाज होता है। मैं जब आपको पढ़ रही थी और आपका थोड़ा मुतालिया कर रही थी तो मुझे लगा कि आपकी शायरी जो है वो इल्हामी और वजदानी शायरी, या जैसे दुश्वार गोई जो है वो मुझे उसमें थोड़ा सा लगा। तो आपको क्या फर्क लगता है कि अगर एक शायर जो है जो सहले ममतना में लिखते हैं, या दुश्वार गोई जो होता है जमाने में, जमाने के तरजीही बुनियादों पर कौन सी चीज पॉपुलर होती है या कौन सी म्यारी होती है? देखिए जी, पॉपुलर तो वही चीज होती है जो आम फहम हो और लोग उसे पढ़ें, शैले ममतने जिसे, जैसे आपने कहा, और वो पॉपुलर हो जाते हैं लोग। लेकिन पॉपुलर शायरी जो है ये ज्यादा मानी आफरीनी वाली शायरी नहीं होती, ये ऐसी ही शायरी होती है कि जैसा कारी जो है वो ये समझता है कि जो कुछ शायर ने कहा ये उसके दिल में है, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। तो अगर कारी के दिल वाली ही बात हमने कहनी है तो फिर हमने क्या कहा, तो मसला ये है। तो कारी उस चीज को पसंद करता है जिसे वो समझता है और जो उसके दिल में ऑलरेडी होती है उसी पे मोरे तस्दीक सब्त कर देता है। लेकिन अगर आप मीर जैसे शायरों को देखें, उन्होंने शैले ममतने में भी बड़ी शायरी की है, लेकिन उनके यहाँ कोई हजारों लफ्ज हैं जो उनकी शायरी में इस्तेमाल हुए हैं, जो उनकी मसनवियों में और जो उनके जो मुख्तलिफ जो गजलें हैं उनमें और कसीदे और मनकबतें, तो उनमें बेशुमार लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं और वो सारे लफ्ज हम नहीं जानते। उन्हें 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 पढ़ने के लिए मीर तकी मीर को शरह की बात जरूरत पड़ती है, इसीलिए शमसुर्रहमान फारूकी ने जो उनकी शरह जो है वो की है, और उम्दा शरह उन्होंने की है। शरह के बगैर मीर को समझना काफी मुश्किल हो जाता है, खासतौर पर जहां पर वो नए लफ्ज लेकर आते हैं और अपने उन जज्बात का इजहार करते हैं जो आम लोगों के जज्बात नहीं है, जिनमें खास लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं या खास लोगों के जज्बात होते हैं। शेर मेरे हैं गो खवास पसंद, गुफ्तगू पर मुझे अवाम से है। तो ये जो है गुफ्तगू तो अवाम ही से होती है, बात तो हम लोगों तक ही पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन बार दफा बात जो है वो खास अंदाज से की जाती है जो मुश्किल हो जाती है, और उस मुश्किल को फिर आसानियां जो है वो उस मुश्किल की वो उनकी शरों में शरों की वजह से होती है। जैसे गालिब का कलाम है, गालिब का कलाम जो है उसे अक्सर शैले ममतने के शेर भी उनके यहाँ हैं, लेकिन जो गहरे शेर हैं और जिनमें बहुत ज्यादा लफ्ज आए हैं और ऐसे लफ्ज आए हैं जिनसे लोग मानूस नहीं है, तो उन शेरों की शरह करनी पड़ती है। तो इसलिए गालिब की कई शरहें हुई हैं, ऐसे ही इकबाल की शायरी की भी कई शरहें हुई हैं। अगर इकबाल की शायरी जो है इतनी सादा हो कि हर आदमी उसे फौरी तौर पर समझ ले तो फिर तो शरों की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो शरों की जरूरत ही वहां पड़ती है जहां पर शायर अपने गहरे ख्याल का इजहार करता है, जहां पर शायर जो है वो अपने उन जज्बात को लेकर आता है जो आम लोगों से मुख्तलिफ होते हैं और आम लोगों के दिल में वो बातें नहीं होती।
वो शायर के दिल की बातें होती हैं जो फिर आम लोग जो है वो शरों के जरिए अच्छे समझते हैं। तो आपको लगता है कि जो हमारे असर हाजिर के जो शोरा इकराम हैं या नौजवान नस्ल जो हमारी आजकल शायरी कर रहे हैं, क्या इनके शायरी रवायात को चेंज कर सकती है? क्या ये उस मायार का लिख रहे हैं, या आपका क्या ख्याल है इस मामले में उर्दू अदब? मेरा ये ख्याल है कि कुछ कुछ पॉपुलर शायर थे, जैसे मसलन फैज साहब हैं जी, और जैसे अहमद फराज हैं जी, जैसे शायर लुधियानवी हैं, उनसे पहले अख्तर शिरानी थे, हफीज जालंधरी थे, ईशान दानिश थे। तो नए शायर जो है आज, इनमें ज्यादा तादाद जो है उन शायरों की है जिन्होंने अपने रुमानवी जज्बात को, अपने उन जज्बात को जिनका ताल्लुक उनके इमोशनल लाइफ से है, उन्हें ज्यादा पेश किया है। और वो जो इर्द गिर्द का माहौल है, जिस अंदाज से जिंदगी जो है आगे बढ़ रही है, उस पर बहुत कम लोगों ने तवज्जो दी है और बहुत कम लिखा गया है। इसी वजह से मैं ये समझता हूँ कि उनकी शायरी एक रवायत को आगे लेकर जरूर चल रही है ज्यादातर लोगों की, लेकिन बहुत जिसे आप कहते हैं कि खास अपने दौर की शायरी, वो इक्का दुक्का शायरों ने की है और वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शायरी हो नहीं रही, लेकिन ज्यादा तादाद जो है वो उन जज्बात की है जिन्हें, जिन जज्बात को हम आम इश्क के जज्बात कहते हैं, आम मोहब्बत के जज्बात कहते हैं, उन्हें नई नई अंदाज से पेश करना, नई मैजरी में पेश करना और नई अलामतों में और नए इस्तारों में पेश करना, ये हमारे शायरों का वतीरा है आज के शायरों का। तो बहुत कम ऐसे शायर हैं जिन्होंने समाजी मौजूदात पर, जिन्होंने फिक्री हवालों से और जिन्होंने जो जिंदगी है उसके अंदर जो तजादात है और उनके हवाले से शायरी की है। उनमें अच्छे शायर भी हैं, ऐसे मसलन जैसे अफजाल अहमद सैयद की शायरी, उससे मैं बड़ा मुतासिर हूँ, और अज़रा अब्बास उमदा शायरी करती हैं, और इसी तरह से हमारे किशोर नाहिद की शायरी बहुत उमदा शायरी है, और इफ्तखार आरिफ की शायरी बहुत उमदा है। तो ये लोग हैं, और इसके अलावा जो नौजवान हैं उनमें मैं फहीम जोजी साहब हैं मेरे जो क्लास फेलो भी थे, और उन्होंने बहुत उमदा शायरी की है। मैं कोई और के नाम से उनका जो है मजमुआ वो शाया हुआ है एक दो साल पहले, तो बहुत उमदा उनकी मुझे नजमें लगी हैं। सरमद साहबाई बहुत उमदा शायर है, इनसे मुझसे पहले जो है सुहेल अहमद खान साहब का इंतकाल हो गया, सुहेल अहमद खान बहुत उमदा नजमें लिखते थे। तो आज जो है वो डॉक्टर इब्रार बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं, आज फहीम जोजी भी जैसे मैंने नाम लिया, और इसी तरह से कुछ ख्वातीन हैं, आरफा हैं, वो उमदा शायरी कर रही हैं, और डॉक्टर ज़ियाउल हसन है, उनकी शायरी में भी फिक्री एलिमेंट आ जाता है। तो बहुत शायर हैं जो आज भी गहरी शायरी कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो उनकी तादाद जो है वो कम है, परसेंटेज में अगर आप देखें तो 2 या 3% ही लोग होंगे जो ऐसी गहरी शायरी कर। आपका क्या ख्याल है कि जो गहरी शायरी होती है, पुरमायनी होती है, क्या उसको दवाम जो है वो ज्यादा अरसे के लिए मिलता है, या कि जो सहले ममतने में होती है शायरी, जैसे कि एकदम पॉपुलर हो जाते हैं शायर और उनकी जुबान से आम हो जाते हैं, हर बंदे तक पहुंच जाता है, इजी होता है उनको करना, इन दोनों का अगर हम बैलेंस करते हैं तो शायर जो है वो किस लाइन को चूज करता है, पसंद करता है मुआशरे में पॉपुलर? जी अच्छे शायर जो हैं जी वो तो फिक्र अंगेज शायरी को पसंद करते हैं, चाहे उसमें उन्हें कारीन से हाथ ही क्यों ना धोना पड़े, वो कारी के लिए नहीं लिखते, वो
इसलिए कहा जाता है कि वो शायरों के शायर, यानी वो शायरों के लिए लिखते हैं और ऐसे शायरों के लिए जो समझ रखते हैं, जो शऊर रखते हैं, जो गहरी बात को जानते हैं, रमजों को जानते हैं, उनके लिए लिखते हैं। तो इसलिए मेरे जो हीरोज हैं उनमें मसलन मुजीद अमजद की शायरी भी इतनी आसान शायरी नहीं है जी, उसकी भी बहुत सी डायमेंशन है। ऐसे ही राशिद साहब की शायरी जो है वो आसान शायरी नहीं है। राशिद साहब ने जब तीसरा मजमूआ उनका आया लामसावी इंसान, और फिर उनकी जो डेथ के बाद उनका एक और मजमूआ आया गुमा का मुमकिन, जब आप उन्हें पढ़ते हैं तो वो बहुत गहरी शायरी है, बड़ी अमीक शायरी है। उसके अंदर उन्होंने जिंदगी के असरार और रमूज को नए जो फलसफे हैं उनकी रोशनी में और नई जो फिक्र है उसकी रोशनी में परखने की कोशिश की है। और ये फिक्र जाहिर है वो फिक्र है जो इकबाल के बाद की है। अलामा साहब ने अपने जमाने के हवाले से जो शायरी की है और अपने जमाने की फिक्र के हवाले से जो शायरी की और पाबंद शायरी की है, लेकिन राशिद साहब ने आजाद नज्म लिखी है, तो आजाद नज्म लिखते हुए उन्हें अपने मुआसर जो फलसफे हैं उन्हें पढ़ने का इत्तफाक भी हुआ और उन पर उनका असर हुआ और उनकी शायरी में वो असर मौजूद है। इसलिए राशिद साहब को यही कहा गया कि वो शायरों के शायर हैं, वो ऐसे शायर हैं कि जिन्हें समझते हैं सिर्फ शायर और वही उन्हें आगे समझाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है सैले मुमतन है, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि सैले मुमतन की शायरी अच्छी नहीं होती। अगर आप देखें तो ये जो हमारे यहाँ रवैया आया है सैले मुमतन का ज्यादा, वो रवैया आया है जब यहाँ पर अंग्रेजी रोमानवी शोरा का चर्चा हुआ। जब आप वर्ड्सवर्थ के दिवाचे को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि वर्ड्सवर्थ ने ये कहा कि शायरी जो है ये आम जुबान में होनी चाहिए, सादा जुबान में होनी चाहिए, ऐसी जुबान में होनी चाहिए जो लोग जो जिसे लोग समझते हों, तो उन्होंने ये कहा। लेकिन कॉलरिज जो है उनके मुकाबले में उन्होंने मुख्तलिफ बात की, उन्होंने कहा जी कि शायरी में इशारे भी होने चाहिए, अलामतें भी होनी चाहिए, शायरी में लफ्ज जो हैं वो ऐसे भी आने चाहिए जो लफ्ज आम लोगों तक की रसाई में नहीं है। तो वो जुबान के एतबार से कॉलरिज ने मुख्तलिफ बात की, तो दोनों ही सिलसिले जो है मैं समझता हूँ आज की शायरी में हमारे यहाँ भी मौजूद है। ऐसे शायर भी हैं जो बराह रास्त इजहार के शायर हैं और आम जुबान में लिखने वाले हैं, और हमारे यहाँ ऐसे शायर भी हैं कि जिनकी शायरी में नए से नए लफ्ज आते हैं, और जब नए से नए लफ्ज आते हैं तो काफी मुश्किल पेश आती है उस कारी को कि जो उर्दू से बहुत ज्यादा मानूस नहीं है, या उर्दू की जो वो शायरी है जो पुराने जमाने में हुई या नए जमाने के उन शायरों ने की जिनके पास बहुत अल्फाज थे, जैसे वसन जोश, मिली आबादी हैं, तो वो उनसे उस शायरी से जरा थोड़े से दूर रहते हैं जिनमें ज्यादा नए लफ्ज आए और ऐसे लफ्ज आए जो ना मानूस या गैर मानूस। जी, अभी आपने जिक्र किया कि जो शोरा इकराम कलाम कहते हैं हर किसी की अपनी एक जहद होती है, तो क्या शोरा इकराम का कहा गया कलाम या उनकी बात अवाम पर और मुआशरे पर ज्यादा असर रखती हैं, या कि दूसरी जो अदब की जहतें हैं जैसे अदीब हो जाते हैं, अफसाना निगार हो गया, या फलसफे की कोई किताब हो गई, कोई भी डिबेट करने वाला है, इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो मुआशरा या अवाम या वक्त के हिसाब से किसका असर ज्यादा देर पा या पॉजिटिव? मेरा ये ख्याल है कि सभी का असर होता है। हाल ही ने एक बात कही थी शायरी के सिलसिले में कि बजाहिर जब हम शेर पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि शायद इस पे असर ना हो रहा हो हम पर, लेकिन शायरी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान की नफ्सियात पर असर अंदाज होती रहती है। तो इसी तरह से सारा अदब जो है, चाहे आप अफसाने लिखते हैं या आप नावल लिखते हैं या आप नावल पढ़ते हैं, अफसाने पढ़ते हैं, ड्रामे पढ़ते हैं या ड्रामे देखते हैं, और इसी तरह से नज्मे पढ़ते हैं, तो उनका असर किसी ना किसी सूरत में आप पर हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि
ये बिल्कुल आपने इधर से कोई शेर शायरी पढ़ी और उधर से वो गायब हो गई। शायरी आहिस्ता आहिस्ता आपके लाशऊर का हिस्सा बनती चली जाती है और फिर लाशऊर के का जो हिस्सा हो जाती है चीज वो कभी कभी ना कभी आपके शऊर में जरूर आ जाती है और फिर आप उससे जाहिर है कि कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं तो आपका शऊर जो है ये डेवलप हो रहा होता है। तो आपका ये जो डेवलप शऊर है वो होता ही तब है जब आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं या आप तजुर्बों से गुजरते हैं या आप मुशायदों से गुजरते हैं तो आपका शऊर जो है वो पुख्ता होता चला जाता है। तो इसी तरह से अदब की हर सेंस का असर जो है वो कारी पर जरूर होता है जो पढ़ने वाला है। जाहिर है कि सब लोग तो सब चीजें नहीं पढ़ते लेकिन जिन्होंने जो जो चीजें पढ़ी हैं उसका असर जरूर पर हुआ है और वो उनके लाशऊर का हिस्सा बनती चली जाती है। जैसे कि हम एक अफसाना या नावल या कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें टाइम भी चाहिए होता है, काफ़ी स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, बैठना होता है मुकम्मल ए टू जेड जब तक हम करते हैं हमें सबक मिलता है। लेकिन कभी कभी शायर का एक शेर जो है वो पूरा अफसाने को कवर कर रहा होता है, उसके अंदर मुकम्मल एक दास्तान होती है वो इस हवाले जी। तो मेरा साहब फिराक गोरखपुरी साहब की एक किताब थी उर्दू गजल दौरे हाजिर उर्दू गजल, वो भी मैंने अपने इंटर के जमाने में पढ़ ली थी। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि कभी कभी एक शेर जो है उसमें पूरी कायनात के असरार आ जाते हैं। शायर ने इस अंदाज से शेर कहा होता है, सही बात है। और गजल का एक शेर जो है पूरे कायनात की हमें याद दिला जाता है, सही बात है। तो ये ऐसा होता है लेकिन उसके लिए पढ़ने वाले का अपना ज़हन जो है उसका उसकी पुख्तगी की भी जरूरत है। मसलन अगर किसी ने कोई शेर कहा है दिल नादा बज़र गालिब का शेर है तुझे हुआ क्या है, क्या है आखिर इस दर्द की दवा क्या है, तो ये बज़ाहिर सादा शेर है, सही बात है, लेकिन इसमें ये दर्द इस दर्द की कितनी डायमेंशन होंगी और दिल दिले और नादा दिल इसकी कितनी डायमेंशन होंगी, फिर उसके होने को कि क्या हुआ उसके साथ उसकी कितनी डायमेंशन होंगी, ये वो जानेंगे कि जिनके तजुर्बे ज्यादा हैं जिनके मुशाहदे ज्यादा हैं जिनका मुताला ज्यादा है। तो इसी शेर को साहिब मुताला जब पढ़ेगा तो वो और तरह से देखेगा, इसी शेर को जब आम कारी जो जिसने ज्यादा पढ़ा लिखा कारी नहीं है जब वो पढ़ेगा तो वो और अंदाज से देखेगा, तो उसमें वो गहराई जो है इस शेर की शायद वो उस तक ना पहुंच सके जैसे कि कोई पढ़ा लिखा कारी उस तक उसकी गहराई तक पहुंचता है। तो फिराक गोरखपुरी का मतलब भी ये है कि कारी जो है उसे भी कुछ अपने शऊर को ब्रुएकार लाना चाहिए। सब कुछ ऐसा नहीं है कि शायर ने जो कुछ कह दिया आप सिर्फ उसी तक महदूद होकर रह जाएं। इंटरप्रिटेशन के जो फलसफा नए जमाने में आया है वो तो यही है कि जिसमें कारी जो है वो खुद उस शेर की तशरीह करे या शरा करे जो शेर जो है किसी शायर ने अपने अंदाज से कहा है या अपने एक खास हद के अंदर कहा है। मैं चार मकाला एक किताब है तो निजामी अरूजी समरकंदी की वो मैं पढ़ रहा था, उसमें एक शायरी के चैप्टर में एक शायर के पास एक कारी आता है, तो कारी आके कहता है कि या सामे समय उस जमाने में उसने सुना शेर कि आपका ये शेर मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके ये मानी जो है ये खास तौर पर मुझे पसंद आए, तो उस पे शायर ने ये कहा कि बखुदा ये मानी तो मेरे जहन में नहीं है। अब जब शायर जो है उसके जहन में मानी नहीं है तो वो मानी जो है वो कारी ने एक निकाले, तो मैं ये समझता हूँ कि वो पढ़ा लिखा कारी उसके उसके मुताबिक उसके मुकाबले में उसके पास शायद जो और डायमेंशन थी समझने की वो बुरुएकार लेकर आया, तो उस पे शायर ने कहा कि बखुदा ये मेरे जहन में नहीं था कि इसका ये मतलब भी हो सकता है। तो पढ़े लिखे कारी जो है वो इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं
जो ताबीर की ताबीर जो है ये भी आज एक मौजू है नए फलसफे और फिक्र का, कि इंटरप्रिटेशन एक किया है तो उसकी भी आगे इंटरप्रिटेशन होती है। तो बहुत अदब और फलसफा जो है बहुत आगे निकल गए हैं और इसलिए बहुत सी जो शरें हैं नई नई वो हमारे सामने आ रही हैं और लोग जो हैं उनमें आपने जैसे कहा कि वो जो किताबें हैं जो फिक्र के से ताल्लुक रखती हैं फलसफे से ताल्लुक रखती हैं वो भी लोग पढ़ते हैं और उनका असर जो है उनके जहनों पर होता है और जब वो शायरी को इंटरप्रेट करते हैं तो वो जो फलसफे और फिक्र की किताबें उन्होंने पढ़ी होती हैं वो उनके पूरे कार्य वो फिर उनकी अक्कासी हो रही होती है। हमारे जो एशियन खास तौर पे मुआशरा है और जो उर्दू अदब है हम चूंकि इस पे बात कर रहे हैं तो हमारे मुआशरे की मजमूई सूरत हाल के हवाले से आपको ज़ाती तौर पर अपनी फीलिंग्स अपने जज्बात जो हैं एक्सप्रेस करना शेर में ज़्यादा आसान लगता है या नसर में, क्योंकि आपने माशाल्लाह हर जहत में काम किया है तो आपका क्या इस मामले में एक्सपीरियंस रहा? देखिए जी शायरी जो है ये हर वक्त तो आप नहीं करते हैं, कभी कभार जब आपके का ज़हन जो है वो इस तरफ मायल होता है और आप उससे इस्तेफादा कर लेते हैं उस उन मोमेंट से जी। जो शायरी के मोमेंट्स होते हैं तो आप शायरी कर रहे होते हैं, जैसे गालिब ने एक शेर कहा है उसे मेरे सामने रहा है हमेशा वो के पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां और। तो ये जो तबा रुकती है तो फिर एकदम से अंदर के जो जज्बात हैं वो एक सैलाब की सूरत शायरी के अंदर आ जाते हैं, लेकिन वो भी एक खास फेज होता है महीने का दो महीने का, हर वक्त आप शायरी नहीं कर सकते। इसी तरह से आप जब नसर पढ़ते हैं तो और लिखते हैं तो इसका भी हर वक्त आप नहीं लिख रहे होते, आपको खास कोई दिलचस्पी आपको होती है किसी मौजू से तो तभी आप लिखते हैं, या आप जो है वो समझते हैं कि आपको अपने लोगों तक कोई बात पहुंचानी है तो तब आप लिखते हैं। तो ऐसे ही मेरे जो नसरी मजामीन हैं जो नजरियाती हैं बेशतर मजामीन वो मैंने इसीलिए लिखे हैं कि मैं अपने दिल की बात जो मेरे एनालिसिस हैं जो मेरे तजिये हैं जो मेरे तजुर्बे हैं जो मेरे मुशाहदे हैं और जो मेरे नतायज हैं जो मैंने निकाले हैं वो लोगों तक पहुंचे। और जहां तक मुआशरे का ताल्लुक है तो ये मुआशरा जो है जिसमें हम जिंदगी बसर कर रहे हैं ये सदियों से एक ऐसा मुआशरा है जिसमें ऊंच नीच बहुत ज्यादा है, जिस मुआशरे में इंसान जो है उसे एक खास हवाले से देखा जाता है, उसमें जो क्लास सिस्टम है या जिसे आप जात पात का सिस्टम है वो आप समझ लें वो होता है, तो वो बहुत ज्यादा अरूज पर पहुंचा हुआ है जिसके नतीजे में आम इंसान जो है उसकी शायद वो वक़्त नहीं है वो इज्जत नहीं है जो साहिब मर्तबा या दौलतमंद इंसानों की होती है माशरे में। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात है किसी सोचने वाले जहन के लिए कि सब इंसान जो हैं ये अल्लाह ताला के मखलूक हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा किया है और दुनिया में अल्लाह ताला की वजह से वो दुनिया में आए हैं, तो ये आपस में इन्होंने एक दूसरे के साथ तफावत क्यों बरतने शुरू कर दी, फर्क क्यों करना शुरू कर दिया, तो ये बहुत तकलीफ दे बात है मेरे लिए। इसीलिए मैं अक्सर मेरी जो शायरी है और अक्सर मेरे जो मजामीन है उनमें इंसान की इज्जत नफ्स के हवाले से बहुत कुछ लिखा गया है और इंसान जिस तरह से गुरूर और तकबुर में आकर वाशी हो जाते हैं, गुरूर और तकबुर में आकर जानवर जैसी हरकतें करने लगते हैं, तो मैंने उसके खिलाफ शदीद रद्द अमल का इजहार किया है और हर शायर जो है वो इसी तरह से करता है। ये मसलन मौलाना रूम से मैंने ये बात जो है वो सीखी है, मौलाना रूम ने अपनी गजल में ये एक शेर लिखा था कि फारसी का जाए फारसी में वो लिखते थे कि दी शेख ब चराग अभी गश्त गिरद शेख कस देवो दद मलूलो मो इंसान मारजूस, कि कल रात शेख जो है चराग लेकर शहर में घूम रहा था और कह रहा था कि मैं वाशी जानवरों से बहुत तंग हूं मुझे इंसान की आरजू।
तो उन्हें बाशरे में बसते हुए इंसान वो मुख्तलिफ जानवरों के रूप में नजर आएगा। और ये चीज जो है ये नए अफसाने में मसल काफ्का के अफसानों में आपको नजर आएगी कि इंसान किस तरह से इंसेक्ट बन गया, और इसी तरह से इंतजार हुसैन के अफसानों में आपको नजर आएगी कि इंसान ने किस तरह से अपनी जून बदल ली है और वो वाशी जानवरों की जून में आ गए। तो ये बात जो है ये मौलाना रूम ने भी कही। तो मैं समझता हूँ कि शायरों की जो मंजिल है वो यही मंजिल है कि वो इंसान को उसकी अजमत और उसकी जो अशरफियत है उसकी रोशनी में देखें, और माशरे के अंदर जो उनकी अदम तौकीरी है या बेतौकीरी है उसके खिलाफ रद्द अमल का इजहार। आपसे माशाल्लाह अदब के हवाले से और फिक्र के हवाले से बहुत अच्छी बातें चल रही हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये सिलसिला जो है इसी तरह चलता रहे, लेकिन हम आपके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहते हैं। आपकी अपनी जात के हवाले से, अपनी आदात के हवाले से भी मैं जानना चाहूँगी, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो हम थोड़े से सवाल जो हैं वो हल्के फुल्के कर लें। तो जी आप मुझे ये बताइए कि हमारे आम तौर पर आम हालात में जो हमारे ज़िंदगी के मसले मसाइल होते हैं, इनसे निपटने के लिए आप किस टेक्निक को ब्रुए कार लाते हैं? देखिए जी, आम मसाइल तो यही है कि माशरे के अंदर आपने माशरे के साथ मुताबकत करके रहना है। अगर आप मुताबकत नहीं करेंगे तो नतीजा ये होगा मुआशरा आपको कबूल नहीं करेगा। तो ये चीज जो है ये जब तक के पूरी चेंज नहीं आ जाती मुआशरे में, आपको वो जो एक अपना जो रवैया है मुआशरे में वो ऐसा ही रखना पड़ता है कि मुआशरे के मुताबिक आप अमल करें और कोई ऐसी बात ना करें जिसके नतीजे में मुआशरे वाले जो है वो आपके खिलाफ रद्द अमल का इजहार करें, कोई ऐसी बात ना करें। तो ये मैंने शुरू ही से ये बात जहन में रखी है, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अगर मुआशरे वालों को कोई बात पसंद नहीं आती तो वो जरूर आप पर उसका जरूर आपके खिलाफ वो रद्द अमल का इजहार करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जैसे अलामा इकबाल की शायरी पर एक दफा मैंने मजमून लिखा मशरकी बेदारी और इकबाल के नाम से। तो उस मजमून में मैंने इकबाल के कलाम में मौजूद ख्यालात को, जो प्रोग्रेसिव ख्यालात थे, उनको पेश कर दिया। ये वो जमाना था जब यहाँ पर नवाब दादा शेर अली वगैरह इतलात के वजीर थे और याया खान का दौर था जी। तो मैंने उसमें इकबाल की जो प्रोग्रेसिव अप्रोच है वो लिख, उसके हवाले से मजमून लिख दिया। तो वहां पे कुछ लोगों ने एतराज किया और यहाँ तक एतराज किया कि मेरे खिलाफ काफी रद्द अमल हुआ और साथ साथ कालम की सुर्खियां कोस्तान अखबार में और नवाए वक्त वगैरह में लग गई। तो मेरे खिलाफ क्या लगी कि इन्होंने इकबाल जो है इसकी इहानत की है, इहानत कर दी, और ये इस तरह की बात। हालांकि कोई अच्छी बात नहीं थी, जो इकबाल ने कहा वो मैंने लिख दिया था, लेकिन वो उन्हें इसलिए पसंद नहीं आ रही थी कि इकबाल ने जो साम्राज्य के खिलाफ बातें की, इकबाल ने जो मजदूर के हक में बातें की, इकबाल ने जो किसानों के हक में बातें की, इकबाल ने जो आम आदमी को के हक में जो बातें की वो मैंने हाईलाइट कर दी थी, तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो उसके बावजूद आज वही लोग जो है जिन्होंने इतराजात किए, आज वही इकबाल के उस कलाम को बहुत ज्यादा सराह रहे हैं। लेकिन जमाने जमाने की बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा बहुतात रहकर मुझे काम करना पड़ा है, बहुतात रहकर लिखना पड़ा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी किसी ऐसी बात से किसी की दिल आजारी हो कि जो बात जो है वो नहीं सुनना चाहते थे। तो मैं काफी बहुतात रहता हूँ। तो बागियाना ख्यालात जो है अगरचे मेरे हैं, लेकिन बागियाना ख्याल वो एक खास दायरे के अंदर हैं,
वो समाज के अंदर जो मुताबिकत है उसके मुताबिक ही मैं चलता हूँ। इसीलिए मैंने किसी वक्त भी मजहब के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं लिखी जैसे कि आज लोग लिखते हैं जदीद जैन के लोग जो मजहब को मानने वाले नहीं है, लेकिन मैंने किसी जगह कोई ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया अपने शेर व अदब में कि जिसमें कोई लोगों की दिल आजारी हो, खासतौर पर मजहब के हवाले से और खासतौर पर उन रवायात के हवाले से जिन रवायात को वो पसंद करते हैं। तो मेरा रद्द अमल जो है वो मुताबकत का ही रहा है, वो बागियाना नहीं रहा। हालांकि मैं समझता हूँ कि लोगों को खुद सोचना चाहिए कि वो जो कुछ कर रहे हैं क्या वो वाकई इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये रवैया जो है उन्हें खुद भी अपने बारे में उन्हें खुद भी सोचना चाहिए और अपने रवैयों पर गौर करना चाहिए। इंसानियत की खिदमत तो बड़ी दूर की बात है, कम से कम वो उस लेवल पर अपने आप को ही ले आए कि क्या हम इंसानियत के लेवल पर खड़े हैं। खिदमत तो फिर उसके बाद का शुरू होता है ना। आपने माशाल्लाह अपनी जिंदगी में इतने आला ओहदों पर और जिम्मेदारियों पर बहसने खूबी आपने जो अंजाम दिए हैं, तो ये शायरी का शगफ जो है ये कब से और कैसे मतलब शुरू हुआ, या पहला शेर आपने कब कहा, और थोड़ा सा ये हमें बताइए। पढ़ा तो आपने माशाल्लाह बहुत है, वो आपने बताया भी है कि आप काफी अरसे से पढ़ रहे थे। जी, पहला शेर मैंने आपको बताया कि मैट्रिक के जमाने ही में तकरीबन लिखा मैंने, जो सीरियस शेर, बल्कि बच्चों के लिए तो मैं पहले ही लिख रहा था और वहाँ रिसाला, वहाँ एक अखबार निकलता था सफीना, तो सातवीं आठवीं ही में मैंने जदीद जो इजादात हैं उन पर और मजामीन लिखने शुरू कर दिए थे। दो चार मजामीन मेरे उस अखबार में छपे भी, और इसी तरह से एक नज्म थी जो मैंने लिखी तो उसे मेरे वालिद ने इस्लाह भी कर दी थी। तो जाहिर है कि मेरे पास वजन का इतना मसला था, वजन के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन मेरे वालिद ने उसे इस्लाह की। इब्तदा में मैंने वो नज्म लिखी के सुनो एक दिन का अजब माजरा, मैं घर से निकल मदरसा जो चला, फकीर एक नजर रास्ते में पड़ा, लाठी लिए था सड़क पर था। फिर आगे उसकी कहानी कि उसे किस तरह से सड़क पार कराई मैंने, तो ये एक नज़्म लिखी थी लेकिन उसे इस्लाह मेरे वालिद ने की। फिर मैट्रिक में मैंने फिर वो नज़्म जो है आजाद नज़्म लिखनी शुरू की, तो वो नज़्म जो है उसके भी एक मिसरा मुझे याद आ रहा है कि शाम खुशबू के खजानों को लुटाती हुई मुद्दत से रवा है। तो ये एक बड़ी शाम के बारे में एक तवील नज़्म है जो बाद में गवर्नमेंट कॉलेज की मैगजीन में साहिवाल में छपी हुई ये नज़्म। तो इस तरह से मेरी शायरी का आगाज हुआ। जब एक दफा आप आगाज कर लें तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उस पर एक इमारत उसकी तामीर होती चली जाती है। तो आज मेरे छह शेरी मजमुए जो है जिसका आपने हवाला भी दिया वो आ गए हैं, और जाहिर है वो सारी नज्मों के हैं। अभी मैंने अपनी गजलों का मजमुआ जो है वो शाया नहीं किया, मेरी 400-500 के करीब गजलें भी हैं, तो उसमें जाहिर है 3-4-5 मजमुए जो हैं वो गजलों के भी किसी वक्त शाया हो जाएंगे। जी सही बात है। जब आपने गजली बंद लिखी तो ये उसका इंस्पायरेशन का सोर्स क्या था? हाँ जी, नसरी नज्म जो है ये जब मैं बिल्कुल ऐसे किसी तजुर्बे से गुजर रहा था कि जो तजुर्बा जो है जिसमें मेरा जो अंदरूनी एक तरह से वजन था या तवाजुन था वो बिगड़ गया था, तो उसमें वजन में शायरी करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो फिर वो सिलसिला जो है वो नसर की तरफ चल पड़ा और नसरी नज्मों की तरफ चल पड़ा, तो इस तरह से हुआ। ये भी बात जो है ये कोई 70s की है, 1970 में मैंने नसरी नज्में भी लिखनी शुरू कर दी थी, लेकिन इसका मजमुआ जो है ये छपा जो था नसरी नज्मों का शनाख्त मजमुआ ये 2007 में छपा, मैंने इसे छापा नहीं था। मैंने कहा कि पहले इसे मेरे जो औजान में मजमुए हैं वो शाया हो जाए ताकि लोग ये ना कहें कि इसे वजन में शायरी नहीं आती तो ये नसरी नज्में लिख रहा है। हालांकि नसरी नज्में जो है ये मैंने साथ ही शुरू कर दी थी, 70s के दौर में ही मैंने नसरी नज्में लिखी थी। तो वो जो नज्मे हैं वो एक जो कोई इंसान के जज्बाती तजुर्बे होते हैं उनमें जिस तरह से ऊंच नीच आती है और उसमें एक तरह से आपके शऊर पर दबाव आता है
और शऊर पर जब दबाव आता है तो फिर आप खास वजन के दायरे में नहीं रहते, तो फिर आप नसर की तरफ चल निकलते हैं। लेकिन नसरी शायरी में अगर शायरी नहीं है, अगर तखयल नहीं है, अगर इस्तारा नहीं है, अगर अलामत नहीं है, तो मैं उसे शायरी मानने को तैयार नहीं। शायरी जो है वो तखयल के बगैर पैदा नहीं होती, शायरी इस्तारे अलामत के बगैर पैदा नहीं होती, शायरी के अंदर तशबीह जो है और रमजे जो है वो जब तक ना हो आप उसे शायरी नहीं कह सकते। उसे अखबार की खबर तो कह सकते हैं, लेकिन उसे आप ये नहीं कह सकते कि ये वाकई शायरी है। जी माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं कि आपका खुद से कलाम माशाल्लाह हर हवाले से मुस्तनिद है, आप उस्ताद हैं। किसी मुशायरे में या अवाम किसी मुशायरे में अवामी या मद्दाही मोहब्बत का कोई रवायत से हटकर कोई वाकया, कोई दिलचस्प आपके साथ पेश आया? अगर ऐसा है तो आप प्लीज हमारे साथ शेयर करें। जी ऐसा है कि एक दफा मैं हिंदुस्तान में था और ये 85 की बात, 1985, तो वहां पे गालिब अकेडमी में हमारे साथ दिल्ली की कोई तकरीबन 20-25 तंजीमों ने हमारे एजाज में एक प्रोग्राम किया था। तो उसमें दिल्ली के जो आला दिमाग और नावलिस्ट, अफसाना निगार, शायर, वो वहां शामिल हुए थे। उसमें हसन रिजवी और मैं दोनों हम वहां गए हुए थे। तो हमारे एजाज में ये प्रोग्राम गुलजार लुत्फी साहब ने अरेंज किया था, जब डेथ हो गई है। तो वहां पर बहुत से लोग आए हुए थे दिल्ली के, उनमें कुरतुल ऐन हैदर भी थी। तो जब मैंने एक नज्म अपनी सुनाई कजली बन, जो मेरे मजमुए का नाम भी है जी, तो वो काफी अप्रिशिएट हुई मेरी नज्म वहां पर। और कुरतुल ऐन हैदर ने मुझे खास तौर पर अपने पास बुलाकर शाबाश दी और ये कहा कि ऐसी उम्दा नज्म आपने लिखी है, बहुत मुबारक हो आपको। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि आप मेरे घर तशरीफ लाएं, जो जामिया के करीब ही था उनका, जो दिल्ली में यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे जामिया मिलिया इस्लामिया, तो वहां तशरीफ लाएं। असल में हमें फिर जाना था बॉम्बे अगले दिन, हसन रिजवी को और मुझे, तो मैंने फिर उनसे कहा जी इंशाल्लाह जरूर हाजिर होंगे आपके घर। तो उस वक्त तो मैं नहीं जा सका उस दौरे में, लेकिन फिर बाद में शमीम हनफी के साथ मुझे कुरतुल ऐन हैदर के घर जाने का इत्तफाक हुआ। तो मुझे अच्छा लगा कि एक इतनी बड़ी नावलिस्ट जो है वो मुझ जैसे आदमी को, जो उस वक्त मेरी उम्र भी खास नहीं थी और यंग था मैं, तो वो मुझे बुलाकर अप्रिशिएट करे मेरी नज्म को। तो ये एक वाकया मुझे कभी नहीं भूलेगा। और वही फिर कुरतुल ऐन हैदर ने बाद में जब मैं लंदन में था, तो लंदन में जो यूरोपीय सोसाइटी है इसने एक सेमिनार किया था, तो उसमें कुरतुल ऐन हैदर के हाथ से मुझे नूर मीम राशिद अवार्ड मिला। और ये अवार्ड जो है मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कुरतुल ऐन हैदर ने दिया। तो मुझे ये एक और याद है, ये मेरे वेबसाइट पर वो तस्वीर भी मौजूद है जो कुरतुल ऐन हैदर जो है मुझे नूर मीम राशिद अवार्ड दे रही है। माशाल्लाह, आपने बहुत ज्यादा अवार्ड्स हासिल किए हैं, माशाल्लाह आपका एक मुस्तनद नाम है। अब हमें थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताइए, अपने बच्चों के बारे में, अपने घर के बारे में, घर के आम रूटीन के बारे में। जी ऐसा है कि मैं मेरी शादी जो है अरेंज थी वो 1975 में हुई, और मेरे चार बच्चे हैं, तीन बेटियां हैं बड़ी और एक बेटा है उनसे छोटा है। तो चारों की माशाल्लाह शादियां अब हो चुकी हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपने अपने घरों में खैरियत से रखे। तो मेरे पोते पोतियां भी हैं माशाल्लाह। हाँ जी, तो एक अच्छा माहौल मुझे घर में हमेशा मिला। मेरे वाइफ ने मेरी बहुत हेल्प की और मेरे अदबी कामों में और मेरे जो समाजी काम थे
उनमें कभी वो रुकावट नहीं बनी, हमेशा मेरी मदद ही की है। तो इसी तरह से मेरे वालिद और मेरी वालदा, इन्होंने भी हमेशा मुझे हेल्प किया। जब मैं, मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं शादी के बाद तो लाहौर में शिफ्ट हो गया था, वो वहीं साहिवाल में रहते थे माउंटगोमरी में। तो ज्यादातर तो मैं, आपके बच्चों में कोई, बच्चों में है कोई ऐसा आपका बच्चा जो इस लाइन, उर्दू अदब की इस लाइन में आने वाला हो या हो, जो वो भी लिखते हो? ये बच्चे जो हैं ये पढ़ते रहते हैं, नहीं ये पढ़ते हैं बहुत, और लेकिन खुद उन्होंने कोशिश नहीं की कि ये अदब की तरफ आए। तो सब अपने अपने मिजाज के मुताबिक इन्होंने जिंदगी बसर की है और कर रहे हैं, और मैंने कभी नहीं रोका उन्हें कि वो कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, उनकी अपनी चॉइसेस थी। तो नतीजा ये कि साइंस तो सबने पढ़ी है, और लेकिन बाद में उन्होंने अपने अपने चेंज कर लिए, जो आप कह लें कि अपना जो प्रोफेशन है आप यूं कह लें, वो चेंज कर लिए, या अपनी तालीम जो है वो और तरफ उनकी तालीम हो गई। मसलन एक बेटी ने साइंस पढ़ने के बाद मैथमेटिक्स में MSc कर ली, यानी और वो इंजीनियरिंग की तरफ या डॉक्टरी की तरफ नहीं गई। एक बेटी ने कंप्यूटर साइंस में किया और उसके साथ MBA कर लिया, और वो NCBA में पढ़ा भी रही है। एक बेटी ने इसी तरह से साइंस पढ़ने के साथ उसके बाद कॉमर्स में कर लिया, कॉमर्स के बाद उसने इकोनॉमिक्स में कर लिया MSc उसने, और बेटा जो है उसने भी साइंस पढ़ी है, वो लेवल किया, लेकिन आज वो उसने क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी से उसने इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में डिस्टिंक्शन के साथ डिग्री हासिल की, और LSE में लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो पढ़ा। तो मैंने कभी नहीं कहा कि आप डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, उनके अपने मिजाज थे उसके मुताबिक उन्होंने पढ़ा है। तो यही मेरे वालिद ने भी मुझे आजादी दी थी कि आप जो बनना चाहते हैं आपकी मर्जी है, मैं आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं हूँ, आपकी अपना जो आजाद हवाला है वो आप इस्तेमाल करें। और तो मैंने अपने चॉइस से इवन MA अंग्रेजी छोड़कर MA उर्दू में दाखला ले लिया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मुझे MA अंग्रेजी में दाखला मिल गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मैं इस तरफ इतना आगे ना बढ़ सकूं, तो मैंने MA उर्दू की तरफ तवज्जो दी और ओरिएंटल कॉलेज में दाखला ले लिया। तो ये मेरे वालिद ने नहीं रोका कि आपने अंग्रेजी क्यों छोड़ी और उर्दू की तरफ क्यों चले गए, हालांकि अंग्रेजी में दाखला मिलना बहुत मुश्किल हुआ करता था उस जमाने में। ये मैं 67 की बात कर रहा हूँ। जी सही बात है, शुक्र है। तो उर्दू का जो मुस्तकबिल है वो कैसे देखते हैं? इन्होंने अपना आजादाना जो अप्रोच है वो इस्तेमाल की है जिंदगी गुजार। आपने बच्चों को मतलब मुकम्मल तौर पे एज ए इंसान उनको हक दिया कि वो जो चाहे वो इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी चॉइसेस जो भी, मैं कभी रास्ते में रुकावट नहीं बना। जी सही। हमारे आजकल जो अभी हम पाकिस्तान का माहौल देखते हैं, हमारे खित्ते का माहौल है, या वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को छोड़ के बाहर आ चुके हैं, या पाकिस्तान में रहने वाले भी जो नौजवान नस्ल है, उनके अंदर जो अंग्रेजी जुबान दर आई है या जो उसका थोड़ा सा असर ज्यादा नजर आता है हमें, इन हालात में, मौजूदा हालात में आप उर्दू अदब का जो है वो मुस्तकबिल क्या देखते हैं कि क्या मजीद आगे अगर हम 40-50 साल तक जाते हैं और अगर यही सिचुएशन रहती है तो खास तौर पे उर्दू अदब और शायरी और अदब की बाकी जो सिमतें हैं आप उनको किस नजर से देखते हैं, आपका क्या ख्याल है? मैं समझता हूँ कि जुबान क्या सबब हो सकता है। हाँ जी, जुबान उर्दू जुबान मुस्तकिल तरक्की करती चली जा रही, और इसकी तरक्की की बुनियादी वजह ही ये है कि इसमें दुनिया के मुख्तलिफ जुबानें जो हैं उनके अल्फाज को एब्जॉर्ब करने का एक तरीका है उर्दू ग्रामर में, जी। वो एब्जॉर्ब हो जाती है,
अब उर्दू में जब सीरियस या सजीदा नसर लिखी जानी शुरू हुई तो वो सर सैयद अहमद खान की नसर हम समझते हैं कि वो उन्होंने उर्दू में एक अकली नसर जो है लिखने की कोशिश की, रैशनल लॉजिकल नसर। तो उनके यहाँ मसल मुझे एक जगह पढ़ते हुए कई जगह कई लफ्ज जो है उनके यहाँ अंग्रेजी के आते हैं, तो कॉन्शियंस एक उम्दा चीज। सही बात है। अब ये जो जमीर कहा जा सकता है, जमीर एक उम्दा चीज जी, लेकिन उन्होंने वहां पे वही लफ्ज लिखा। फिर इसी तरह से हाल ही के यहाँ आप मुकदमा शेर व शायरी में देखें बेशुमार अंग्रेजी के लफ्ज आ जाते हैं, मतलब सोसाइटी आ गई, पॉलिटिकल अमूर में शायरी ने क्या काम। तो ये मैं समझता हूँ कि उर्दू की बड़ी खुशकिस्मती है कि इसके यहाँ इसमें लफ्ज जो है ये शामिल होते चले जाते हैं और वो लफ्ज जो है वो लोग इख्तियार करते चले जाते हैं। अब मसलन लोगों ने कहा कि जी उर्दू में आपको जो बाहर के लफ्ज हैं गैर मुल्की उनके तर्जुमे करने चाहिए तो वो उस तरह से पेश हो। मसलन उन्होंने कहा जी लाउड स्पीकर का जो तर्जुमा है ये जरूर हो करें आपके आलाए मुकब्बर सौत, अब आवाज को बढ़ाने का आला जी। या, तो अब वो लोगों ने कहा कि ये क्या आलाए मुकब्बर सौत, एक लफ्ज है लाउड स्पीकर तो लाउड स्पीकर ही है जी। तो इसे आप लाउड स्पीकर रखें, स्टेशन है तो स्टेशन रखें, आप स्कूल है तो स्कूल रखें जी। तो ये आज भी आप मसलन अपनी गुफ्तगु आप देखें तो उसमें कई लफ्ज हम अंग्रेजी के इस्तेमाल करते हैं। सही बात। और वो हमारी जुबान का हिस्सा है हम, और आज तो नसर में भी लोगों ने बराह रास्त अंग्रेजी के अल्फाज हैं वो लिखने शुरू कर दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जुबान की तरक्की का बायस है, इसे खालिस दिल्ली और लखनऊ की जुबान नहीं रहना चाहिए। ये जहां जहां जाती है जुबान वहां वहां के असरात अगर कबूल नहीं करेगी तो ये अपनी मौत आप मर जाएगी। यूरोप में ये और तरह से लिखी जा रही है, ये आपके अबू धाबी वगैरह में वहां और तरह से लिखी जा रही है जो अरब इलाके हैं, और हिंदुस्तान में और तरह से लिखी जा रही है, पाकिस्तान में और तरह से लिखी जा रही है, दुनिया के मुख्तलिफ जगहों में जहां जहां उर्दू है वहां उनका जो मकामी जो जुबानें हैं उनके असरात उर्दू पर हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि उर्दू यूं ही तरक्की करती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है कि जिद्दत पसंद शायर होने के नाते कि आप माशाल्लाह उर्दू को इतना देते हैं, मार्जिन देते हैं कि कम से कम जो नए शोरा इकराम है वो इंग्लिश के और दूसरे या किसी भी दूसरी जुबान के अल्फाज इस्तेमाल कर सकें। हमारे प्रोग्राम का तकरीबन ऑलमोस्ट प्रोग्राम टाइम जो है वो खत्म होने के करीब है। मैं थोड़ा सा मजीद आपके बारे में जानना चाहूंगी, फारग वक्त में आप क्या करते हैं या आपकी हॉबीज क्या है? जी फारग वक्त में मैं ज्यादातर जो है वो फिल्में देखता हूँ और खास तौर पर जो ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ जो मुख्तलिफ मुल्कों के और मुख्तलिफ तहजीबों के बारे में होती है, उससे मेरा विजन जो है ये काफी ब्रॉड होता है। कुछ तो मैंने सफर किया है दुनिया दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के, और जहां मैं नहीं जा सकता वहां के बारे में मैं जानता रहता हूँ और अपनी मालूमात में इजाफा करता रहता हूँ, और मुझे लुत्फ भी आता है। मुझे यूं लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्री देखते हुए मैं खुद उसमें शामिल हूँ और मैं वो एक एक जो जमीन का जर्रा है उसकी खुशबू महसूस करता हूँ और एक एक जो मंजर है उसे अपने अंदर सो लेता हूँ। तो मुझे ये फारग वक्त में इस तरह की चीजें ज्यादा पसंद आती है। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए ट्रैवलिंग का कि आप ट्रैवल करें किसी कंट्री में जाएं या वहां जाके कुछ अरसा हॉलीडेज करना चाहें तो आप कहां जाना पसंद करेंगे? मेरा ख्याल है स्वीडन, ये जितना खूबसूरत ये इलाका है, मैंने ये सफर किया है स्वीडन का नॉर्वे से बाय कार स्टॉकहोम तक, वो क्या वो मंजर नहीं मुझे आज तक नहीं भूलते हैं। अगरचे हुस्न तो बहुत है, आपके ग्लासगो में भी बहुत हुस्न है,
वहां भी मैंने बहुत सैर की है और नॉर्वे में भी बड़ा उसने, लेकिन ये जो तजुर्बा था ना यहाँ नॉर्वे से स्वीडन में जाने का, यानी ओस्लो से स्टॉकहोम तक, तो ये बहुत ही मार्वलस था, बहुत उम्दा तजुर्बा था। तो मुझे लगता है कि अगर मैं कहीं जाना चाहूंगा तो ये वही इलाका है, लेकिन काश के कोई वीजा ऐसा मिल सकता कि मैं वहां जा सकता, हमारे लिए तो वीजे ही मना है। मैं बहुत दुआ करूंगी कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए और ऐसा मौका जरूर आए। आपको गेम्स पसंद है खेलना जी? कोई गेम्स गेम्स हाँ पसंद? जी, मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ, हॉकी खेलता रहा हूँ, तो ये मुझे पसंद है। कुकिंग से है शगफ या फूड कौन सा पसंद है? अभी मैं क्रिकेट के मैचेस बहुत दिलचस्पी से देखता हूँ, दुनिया के जहाँ कहीं भी क्रिकेट हो रही होती है। अच्छा, आपने खुद भी खेला तो है? पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं, मैं मतलब है बांग्लादेश का अगर किसी से मैच हो रहा है, या जिम्बाब्वे का किसी से मैच हो रहा है, या ऑस्ट्रेलिया का, या इंग्लैंड का, वो मैं सब देखता हूँ। तो आपने खुद भी खेला है कभी? जी मैं खेलता रहा हूँ, कॉलेज की टीम में तो नहीं रहा, लेकिन मैं शहर में बहुत सी टीमों में रहा और मैं क्रिकेट खेलता रहा, लाहौर में भी और माउंटडोंगरी में। कुकिंग का शौक है आपको या फूड जो है वो? जब मैं तुर्की में था और मेरे अभी फैमिली वहां नहीं चुप हुई थी, तो 3-4-6 महीने शायद, तो फिर वो मैंने ही कुकिंग काफी शौक था। जब ये आए मेरी फैमिली, तो उस दिन मैंने इन्हें पकाकर अपने हाथों से पका हुआ खाना खिलाया। मुझे एक सवाल, मुझे थोड़ा सा एक, अगर आप बता सके, जब आप इकबाल चेयर पर थे तुर्की में, तो वहां का कोई खास वाकया, कोई खास बात, या आपको क्या फर्क नजर आया दोनों मुआशरों का? हाँ जी, तुर्की में ये था उर्दू एंड पाकिस्तान स्टडीज चेयर, तो उसमें मैं, मुझे भेजा था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, तो मैं 5 साल वहां रहा, और 5 सालों में मैंने जो मुझे दिलचस्प चीजें लगी वो तो यही थी कि जो मैंने जो सेमिनार्स वगैरह वहां के करवाए, तो जैसे मोहम्मद आकिफ और इकबाल के हवाले से सेमिनार कराया, और इसके अलावा मौलाना रूम के हवाले से जो सेमिनार हुए थे तो उनमें शिरकत की, कोनिया में भी, और मनीषा एक उनकी यूनिवर्सिटी है, मनीषा इलाका है, वहां भी। तो मुझे वो ज्यादा अब याद आ रहे हैं, क्योंकि मैं ज्यादातर इल्मी जो हवाले हैं उनसे देखता हूँ, मुख्तलिफ शहरों को भी, और उन लोगों से मिलता हूँ जो वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स होते हैं और वहाँ के शायर अदीब होते हैं। तो तुर्की में भी मुझे बहुत से शायरों और अदीबों से मिलने का मौका मिला, और उसके अलावा मैंने वहाँ पर पाकिस्तानी जो नज़में थी बहुत सी, वो अपने तालिबे इल्मों की मदद से उन्हें तर्जमा भी किया और करवाई, और ये एक मुझे याद है तुर्की के। और उसके अलावा मुझे ये अच्छा लगा कि वहाँ के लोग जो उर्दू पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले तो वो अंग्रेजी भी नहीं वहाँ पे पढ़ी जाती थी, बिल्कुल बंद थी, और अरबी जो है वो भी नहीं पढ़ी जाती थी, वो कुरान पाक भी जो है वो वहाँ वो पढ़ते थे, तो वो तुर्की का जो रोमन रस्मुल खत था उसमें पढ़ते थे। तो लेकिन ये जो वहाँ पे डिपार्टमेंट्स कायम हुए और ये जो चेयर्स वगैरह कायम हुई, तो उसके नतीजे में ये हुआ कि इन्होंने वो जो अरबी रस्मुल खत था उसे पढ़ना सीख लिया, और अल्फाबेट्स जो थी वो अरबी के वो उनके सामने आ गए, तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कुरान भी बराह रास्त अरबी में पढ़ना शुरू कर दिया, और अजाने भी अब अरबी में देनी शुरू कर दी। एक जमाना था कि अजाने भी जो है वो तुर्की में होती थी। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा फायदा है ऐसी चेयर्स का, कि जो वहां पे जाकर जिन्होंने उनके जो पुराना कल्चर है उसे याद दिलाया, यानी उर्दू चेयर वहां का मतलब यही था कि आप उन्हें उस रस्मुल खत की तरफ लेकर जाएं जो रस्मुल खत उस्मानी रस्मुल खत था, जो तुर्की का पुराना अरबी रस्मुल खत था। तो वो लोग जिन्होंने उर्दू पढ़ी
वो फिर इस काबिल हो गए कि वो पुराने अरबी रस्म الخط में लिखी हुई तुर्की शायरी और अदब को पढ़ सके। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, आपका इस प्रोग्राम के बारे में क्या ख्याल है? आपका बहुत उम्दा प्रोग्राम है माशाल्लाह, आप बहुत ही ऐसे सवाल आपने किए कि जिनके बाद मेरा दिल चाह कि मैं तवातर से इसका जवाब देता रहूं और ये जवाब जो है ये खत्म ना हो, लेकिन जाहिर है कि सवालात के मुताबिक ही जवाब देने होते हैं और अगर ये आपका ये प्रोग्राम 2-3 घंटे भी चलता तो मैं जवाब जरूर देता रहता। ये हमारे लिए खुशकिस्मत प्रोग्राम है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपने मुझे दावत दी और मुझे अपने अपनी दिली बातें कहने का मौका मिला। मैं अदारा धनकर साहिबा, आप खुद भी शायरा हैं तो मैं आपके जो शायरी है उसमें जो मजमुआ है इसके वो जो अभी मैंने इस पर लिखा भी है जी। मुझे एक सूफियाना आपने लफ्ज इस्तेमाल किया इसमें जो जाहिर है कि जी ताहिर-ए-लाहूती उस रिज्क से बहुत अच्छी, बहुत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोता है। तो ये लाहूती इश्क जो है ये आपने जो अच्छा मुझे ये आपको आपका उन्वान लगा और इसके मुझे तसव्वुफ के बहुत से पहलू जो हैं वो याद आए और ये जो चार जो है मलकूती और जबरूती और लाहूती और ये जो है ये मेरे सामने दोबारा ये चीजें आई और मुझे फिर से इन्हें पढ़ने का मौका मिला इनके बारे में। बहुत शुक्रिया आपके अल्फाज और आपका वक्त देना और आपका मौजूद होना, मुझसे कलाम करना, बात करना, मेरी किताब जो अनकरी पब्लिश होने वाली है उस पे राय देना और अपने तबरक जो आपने मुझे दिया, आप यकीन कीजिए मेरे लिए अवार्ड का दर्जा रखते हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। आप सोच नहीं सकते कि मैं कितनी खुश महसूस कर रही हूँ अपने आप को और मुझे समझ नहीं आ रही मैं अपनी खुशी का इजहार किस तरह और किन अल्फाज में करूँ। तो आपसे बात करना जो है वो हमारे लिए एजाज की बात है। मैं चाहूंगी कि हम एक और प्रोग्राम इस तरह का अरेंज दें जिसमें हम आज हमारे मौजूद जो है वो मुकम्मल उर्दू अदब से रिलेटेड थे, इसके अलावा दुनियावी, इंसानी, मुआशरती, समाजी बहुत से मसाइल हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं। और मैं आज अभी यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर ही आपसे इजाजत चाहूंगी कि अगर आप हमें इजाजत दें तो मैं क्या दोबारा भी आपको इन्वाइट करूँ और हम एक जरूर, और एनी टाइम जब भी आपका दिल चाहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप। अभी आप प्रोग्राम देख रहे हैं। सैयदा कौसर साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी, बहुत तहे दिल से मैं ममनून और शुक्रगुजार हूँ अकीदत के साथ। तो नाजरीन ये हमारा प्रोग्राम अभी आप देख रहे हैं, हमारे बहुत मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सआदत सईद साहब, मैं इनको बहुत एडमायर करती हूँ, इनको उस्ताद के दर्जे पे मानती हूँ, इनसे मैंने बहुत सीखा भी है, बेशक पहले तक गायबाना सीखा है, अब ये मेरे रबते में है और डायरेक्ट भी मैं इनसे सीख रही हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है, इन्होंने हमें टाइम दिया, वक्त दिया, यहाँ तशरीफ लाए, अपने इल्म की चंद बूंदें जो है उन्होंने हमारे दामन में निचोड़ी, मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन आप सबका भी शुक्रिया, आप सब हमारे साथ रहते हैं, कमेंट करते हैं, राय देते हैं, हमारे प्रोग्राम्स को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और प्रोग्राम्स को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ भी देते हैं। बहुत खुश रहिए, सलामत रहिए, हम अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।
उर्दू जुबान की तरक्की और तरवीज। कम्युनिटी का इत्तेहाद, घर बैठे एंटरटेनमेंट, इल्म और मार्फत के मोती। सिर्फ धनक लंदन टीवी पर।